नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन। आज लेकर आया हूं अनगिनत सवालों से उलझी क्राइम फाइल्स की एक अनोखी दास्तां। कर्जा वो बीमारी है जिसे इंसान अपने लिए खुद पैदा करता है और फिर सारी जिंदगी इस बीमारी के इलाज में अपना सब कुछ खो देता है। आइए देखते हैं झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में कर्जे से डूबे एक ऐसे ही परिवार की कहानी। मालिक रहम कर दो, मालिक गलती हो गई माफ कर दो, मालिक भगवान की कसम खा के कहते हैं मालिक इतनी बड़ी रकम नहीं है हमारे पास देने के लिए। अरे तुम्हारे पास तो कभी नहीं होगा पैसे, ऊपर जाने के बाद भी कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे बताओ। हेमा डार्लिंग, तुम जाओ अंदर कमरे में, हम इसके साथ हिसाब किताब चुकता करके आते हैं अभी। मालिक इतनी बड़ी रकम नहीं है हमारे पास देने के लिए, भगवान की कसम खा के कहते हैं हमारे पास इतनी बड़ी रकम। अरे तुम्हारी बात सुन सुन के हमको इतने साल हो गए, लेकिन आज तो फैसला होके रहेगा इस बात का। आज या तो हमरे पूरे के पूरे पैसे दोगे या तो तुम्हारा बढ़िया सा इंतजाम करेंगे हम आज। कौनो इंतजाम तो कर ही दो मालिक, काहे के करे पास कुछ है ना, एक जवान बीवी एक छोटका सा बच्चा है बस। एक खींच के देंगे उसकी तरफदारी करोगे तुम। ए बबलुआ का बोले रे, ये एक जवान बीबी और छोटका सा बच्चा। जवान बीबी और छोटका सा बच्चा कहाँ है? बाहर दरवाजे पे खड़े हैं मालिक दो तो। का बाहर दरवाजे पे खड़ी? अरे कैसा बेवकूफ आती है बे, छोटका सा बच्चा और जवान बीबी को बाहर रोड पे खड़ा किए। ची 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 ची, कितना गंदा बात है भाई, देख देंगी तुमको रख के। चलो बताओ कहाँ है, चलो। अरे गुड्डू के पापा, ठीक का गुड्डू के पापा, तेरी चोट लोग मारेगा तुमको। अरे नहीं नहीं, वो का है ना, ये बब्बन है ना, बात बात पे हाथ छोड़ देता है। चिंता की कोई बात नहीं है, वरम पट्टी हो जाएगा इसका। वैसे नाम का है तुम्हारा? हमारा नाम गुड्डू है और हमारी अम्मा का नाम सुलोचना। अच्छा, गुड्डू और सुलोचना, बड़ा प्यारा नाम है। मालिक हमारे पास रहने के लिए खुद की छत भी नहीं है। अरे नंदू कैसी बात करते हो, जग्गी सेठ के होते हुए तुम्हारे सर पे छत कोई नहीं होगा। ए बबल जी। मालिक इनके लिए कमरा खुलवा दो, वो पुराना वाला। हाँ, और सफाई अच्छे से कर देना। हाँ मालिक। मालिक कर्जे के ऊपर कर्जा हो जाएगा। अरे चुप पागल गई का, जब देखो कर्जा कर्जा। अरे यहाँ पर रहो, आराम से काम करो, पैसे कमाओ और सारा कर्जा चुकाओ। अरे हम तुम्हारा कर्जा छोड़ नहीं रहे, बल्कि तुमको रास्ता बता रहे हैं
कि किस तरह से तुम पैसे कमाकर सारा कर्जा चुका सकते हो। आत्मनिर्भर बना रहे तुमको, बोलो मंजूर है? शाबाश, तो चलो आओ। आओ आ जाओ। ये रहा तुम्हारे लिए छत, अब यहां बिल्कुल आराम से रहो। देखो नंदू, ब्याज पर पैसा देना हमारे खानदान का पुश्तैनी काम है, और जो रुपया तुम हमको देने वाले हो ना, वो तुम्हारे दद्दू ने हमारे पूज्य पिताजी से उधार लिए थे, अब उसे वापस तो करना है कि नहीं, है ना? तो यहां आराम से रहो और काम करो। और गुड्डू बेटा, कैसा लगा कमरा? अरे बब्बल जी मालिक। अरे कमरे की सफाई तो करो कम से कम। अरे परिवार रहेगा, औरत रहेगी। बिल्कुल मालिक। क्यों नंदू, अरे दर्द हो रहा है? अरे बब्बन। हाँ मालिक। अरे तनिक मरहम पट्टी तो लगाओ। हाँ मालिक। वो कुछ सिकाई के लिए भी मिल जाता तो? अरे हाँ हाँ, दो दो दो, जो चाहिए दो इनको। आज तो हमारे बहुत ही खास मेहमान है ये। सब कुछ लाता हूँ मालिक। बिल्कुल जल्दी लाओ। हाँ। तो आप लोग रहो यहाँ आराम से, किसी चीज की जरूरत हो तो हमको बुला देना। अब तो यही रहना है, साथ है, मिलते रहेंगे। सुनो ना, हम लोग यहाँ कहाँ रहेंगे? हमको नहीं समझ आ रहा है, ये सेठ ये सही आदमी नहीं है। इसका नजर गंदा है बहुत, ऊपर से मीठा मीठा बनता है पर अंदर से एकदम जहर। आपको कहीं नहीं दिखता ये सब? वो सब संभाल के, हमारे दादाजी 10 लाख रुपया लिए थे, हमारे पिताजी का पूरा जीवन चला गया, तो सेठ जी हम ही से ना वसूलेंगे इस कर्जे के चक्कर में ना? हमारा पूरा जीवन खराब हो गया, 3 पीढ़ी से ब्याज तक नहीं दे पाए, तो मूलधन कहाँ से चुकाएंगे? हम तो क्या कहते, यहाँ नहीं रहते, चलते हैं यहाँ से। अम्मा अच्छा तो है ही घर, पंखा भी है, बहुत सारी लाइट भी है। देखो हमारा गुड्डू कितना खुश है यहाँ। अरे वो तो बच्चा है, हम दोनों थोड़ी ना है, हम तुम्हें बता रहे हैं कि सेठ जो हमें यहाँ ठहरा के देवता बन रहा है ना, कोनो ना कोनो लालच है इसके पीछे। अरे यार भाई, दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं होता है, मानते हैं सेठ जी का तरीका थोड़ा अलग है, पर क्या करें हम? नहीं कुछ और बात है, हमारा मन कह रहा है कुछ और बात है। जगन सेठ आज मूड नहीं है क्या? हमारी बीवी बनने का कोशिश मत करो तुम,
जाओ यहाँ से। बीवी की याद आ रही है का? बीबी की याद नहीं, बीबी वापस लौट के आ रही है। कुछ नया पका रहे हो क्या जगन सेठ? मालिक, आपने बुलाया था मालिक? अरे हाँ नंदू बाबू, आओ बैठो। मालिक बैठो। देखो नंदू, आराम हो गया, पेट पूजा भी हो गई, अब थोड़ा काम वाम की बात कर ले। जी मालिक, जैसा आप कहें। नंदू, हम कुछ सोचे हैं तुम्हारे बारे में। तुम्हारा जो बहुत सारा कर्जा है ना, वो धीरे धीरे किश्तों में चुक जाए, उसके लिए एक तरकीब है मुके पास। बहुत रहम होगी मालिक। तुम एक काम करो, कल से तुम आ जाओ हमारी फैक्ट्री में काम करने के लिए। तुम्हारी वहां थोड़ी इनकम हो जाएगी और तुम्हारी बीबी जो है वो आज से हमारी रसोई में आके काम कर लेगी। मालिक खाना। ये देखो, ऐसा खाना मिलता है हमें खाने के लिए। शकल देख के खाने का मन नहीं करता हमरे, अब क्या करें भाई, मजबूरी है। बब्बन के हाथ का बना हुआ खाना खाना पड़ता है हमको रोज। घर में कोई ना कोई तो होनी चाहिए ना बीबी जैसी, जो अपने हाथों से खाना पकाए, खिलाए, हमारी सेवा करे, है कि नहीं? बोलना अपनी बीबी से कि मालिक पे रहम कर दे, आ जाएगी रसोई संभाल लेगी, हमारी भी पेट पूजा थोड़ी सी अच्छी से हो जाए। मालिक जैसा आप बोले, पर मालिक रोटी तो हम भी आपको बना के खिला सकते हैं। अरे रोटी तो बब्बन भी बना लेता है, लेकिन सवाल तुम्हारे बनाने और बब्बन के बनाने का कतई भी नहीं है। अरे खाने का स्वाद भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और खाने का असल में स्वाद आता है जनानियों के हाथ से बने हुए खाने खाने में। औरत के हाथ का खाना भाता है कि नहीं भाता है तुमको बताओ? खाते हो ना जी? तो जाओ कहो उससे कि हमरी आके रसोई संभाल ले। जी जाओ। अरे काम ही तो करना है, जाना दो रोटी बनाना चली आना, एक आदमी का खाना बनाने में कितना समय लगता है बताओ? अरे हम नहीं जाएंगे वो घर में काम करने। अरे भाई तुम समझ ही नहीं रही हो, हम फैक्ट्री में काम करेंगे, तुम घर में काम करना। अरे तुमको बुद्धि है कि नहीं है? समझ नहीं आ रहा क्या वो आदमी चाहता क्या है? नियत गंदा है उसका। अरे यार हम ये देख रहे हैं कि अगर दोनों काम करेंगे तो कर्जा जल्दी उतर जाएगा, और तुमको नियत दिख रही है। हमको वो दिख रहा है जो तुमको नहीं सूझ रहा है। पर जिंदगी भर भी हम दोनों ऐसे काम करेंगे ना तब भी कर्जा नहीं उतार पाएंगे। अभी चलो इधर से। चॉकलेट चॉकलेट। कौन दिया रहे तुमको ये चॉकलेट? बाबा दिया हमको। देख लो अरे पटे आया जा रहा है, अब तो समझ रहे हो? तुमको भी, बच्चे को भी और हमको भी। मैं पता है कल बता रहा था गुड्डू, झांक रहा था रात में इधर से। अरे भाई इतनी बड़ी हवेली है, रात में कोई ना कोई तो चौकीदारी करता होगा ना,
अब अंदर झांक के देख लिया सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तुमको तो हर चीज में शक करने की आदत है। कौन जा कर रहा था, तुम देखे हो किसी को? अरे इधर ही खड़ा था, गुलेल से दिए टन चलागा। बहुत अच्छा काम किया बेटा, टन से मार दिए है, तुम्हारा नाम गुलेल ही तोड़ देंगे। ऐसा करते हैं, अगर किसी को चोट लग जाती तो? अरे तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा है, वो आदमी गलत है। तुमको आखिरी बार पूछा, ना वो घर में जाएंगे और ना ही हमें इधर रहना है। अब चलो इधर से। तुमसे तो बहस ही करना बेकार है, कभी समझती नहीं हो हमारी बात को। गुस्सा हो गई। अच्छा ठीक है, समय देख के हम मालिक से बात करेंगे। मालिक, हम अपनी घरवाली को बहुत समझाए आपके यहाँ काम करने के लिए, तू मान ही नहीं रही है, बस जिद करके बैठी है, यहाँ से चलो यहाँ से चलो। देखो नंदू, हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्जा है ना, वो सारा का सारा कर्जा माफ हो जाए। उसका उपाय बता रहे हैं हम तुमको, लेकिन तुमको नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी मालिक, लेकिन हम अपना पूरा का पूरा पैसा वसूल करेंगे तुमसे, चाहे ऐसे या वैसे। अरे नंदू तुम नीचे काहे बैठो, ऊपर बैठो जा। नहीं मालिक, कचू गलती हो गई का हमसे, आपके बराबरी में कैसे बैठेंगे? अरे नहीं कोनो गलती नहीं हुई, तुम बैठो। नहीं मालिक। अरे बैठ जाओ, ऊपर बैठो। मालिक माफ कर दो। अच्छा अच्छा ये लो पियो इसे। मालिक हम नहीं पीते। तो पीते नहीं हो या ये नहीं पीते? मालिक वो अंग्रेजी नहीं पीते, चढ़ती ही नहीं है। अरे नंदू पी लो, चढ़ जाएगी, लो पियो पियो। अरे हम कह रहे ना पियो। नंदू हमको बहुत दया आता है तुमरो को देख के, तुम्हारे परिवार को देख के, और तुम्हारी हालत पे बहुत रहम आता है हमको, इसलिए हम तुम्हारा सारा का सारा कर्जा जो है ना वो माफ कर देते हैं। मालिक मतलब हमरे ऊपर जितना करते सब 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 माफ। बहुत दया हो यार, सच में महान है। बब्बन। हाँ मालिक। कागज निकाल। मालिक देखो नंदू, इसमें हम सब कुछ लिख दिए हैं, तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्जा था ना, वो सारा का सारा कर्जा हमने माफ कर दिया है, और इसमें हम अपने दस्तखत कर दिए हैं, अब तुम भी इसमें अपना अंगूठा लगा दो। लगा दिए मालिक। अब सन्ने हो मालिक। नंदू जाओ अपने बच्चे का हाथ पकड़ो और जियो अपनी जिंदगी, लो मालिक। मालिक आप भगवान है मालिक, सच में आप भगवान है। आपने हमारे पुस्तों का कर्जा माफ कर दिया, धन्य है मालिक। अरे नंदू हम तुम्हारा 3 पुस्तों का कर्जा माफ कर दिए, आज के बाद आजाद हो जाओ। अरे मालिक हम बस अब भी अपने पूरे परिवार को लेकर हम निकल जाते हैं। अरे तुम हमारी बात समझे नहीं, हम ये कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारा बेटा गुड्डू तुम दोनों आजाद हो, लेकिन तुम्हारी बीबी सुलोचना वो यहीं रहेगी हमारे साथ। अब 3 पीढ़ी का कर्जा उतारना है ना, कैसे होगा बताओ? इसका सिर्फ यही रास्ता है, सिर्फ यही रास्ता।
और अगर नहीं करना है तो लाओ पेपर हमको दो। एक बार ये फैसला कर लोगे ना नंदू बाबू, तो तुम्हारे आने वाली 3 पीढ़ी जो है ना वो मजे में जिएगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अगर ये नहीं किए तो तुम्हारे बाद तुम्हारा बिटवा, उसके बाद उसका बिटवा, और आने वाली कितनी पीढ़ी कर्ज में डूबी रहेगी। समझ गए? सोच लो, तुम्हारा सिर्फ एक फैसला कितने लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। सिर्फ एक फैसला। ठीक है मालिक, हम फैसला ले लिए। हवेली में ही रहना है क्या? हाँ, हमारे मालिक हैं ही इतने निराले। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे पति, हमारा बच्चा गुड्डू कहाँ जा रही? वो दोनों चले गए, अब लौट कर नहीं आएंगे। चले गए मतलब कहाँ चले गए और वापस क्यों नहीं आएंगे? अरे क्योंकि हम उनका पूरा का पूरा कर्जा माफ कर दिए। नहीं 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 नहीं, ये झूठ है ये। हमारे पति हमें कभी छोड़ के नहीं जा सकते। आप जरूर कुछ किए। हमारे पति के पास, हमारे बच्चे के पास, ये दरवाजा खोल। प्यार से समझा रहे हैं तुमको, बात समझ में नहीं आ रही क्या? हमको गुस्सा दिखा रही हो? हमको, तुम जानती हो अगर हम गुस्सा गए ना तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारा मन का नहीं होता ना तो हम सीधा गोली मार देते हैं। और तुम्हारा जान, तुम्हारा बेटे गुड्डू में बसी है ना, तो सबसे पहले हम तुम्हारे बेटे गुड्डू को मारेंगे, उसके बाद तुम्हारे पति को। तो ठीक, तो सुन लो अपनी चीख अपने बेटे की। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा कुछ। मेरा बेटा, यही तो तुमको समझाना चाह रहे। यहाँ रहो, आराम से खाओ पियो ऐश करो, और हमको भी खुश रखो। रोते नहीं है, ठीक है? अरे ये रोने का समय नहीं है। अब तो तुमको हम रानी बनाकर रखेंगे। रानी, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ। चुन लो इसमें से जो भी चुनना है, सब कुछ तुम्हारे लिए है। क्या जगन सेठ, ये मेला तो कभी हमारे सामने नहीं लगाया। बीवी की तिजोरी खोल दी इसके आते ही। हाँ, और उसको सजाओगी तुम
क्योंकि तुम जिगरी दोस्त हो ना, बुझे? बुझ रहे हैं। ठीक, तैयार करो जल्दी से मैडम को। अरे हो गया तुम लोगों का सजना संवरना। बहुत ही सुंदर लग रही हो, बिल्कुल हमारी मालती जैसे। अरे तुम कहाँ खड़ी हो, बैठो। उस रात वो भी ऐसी लग रही थी, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। वो हमारी सुहाग रात थी, वो हमसे दूर दूर बैठी थी, पर हमारा मन हुआ कि हम खटिया सरकाई के उसमें समा जाएं, उसे अपनी बाहों में ले लें। लेकिन उसी खटिया में वो शमशान चली गई। लेकिन अब तुमको देखकर ऐसा लगता है कि वो फिर से हमारी जिंदगी में लौटकर आ गई है, तुम्हारे रूप में मेरी सेवा करने। तुम हमारी सेवा करो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, ठीक है? ये हुई ना बात, आओ हमारे पास आओ। बच्चा नहीं पिया, अपनी बीबी को अंदर अकेले छोड़ के आ गए। नशे में गलत फैसला ले लिया, अब अपनी बीबी को वापस लेके आएंगे। हाँ, हम अपनी बीबी को वापस लेके आएंगे। हे गुड्डू, वापस लेके आएंगे अब तुम्हारी अम्मा को। तो फिर चलो ना पापा, अम्मा को वापस लेके आते हैं। हाँ, चलो चलो, हम हाँ, वापस लेके आएंगे तुम्हारी अम्मा को। अच्छा चलो चलो चलो। अरे कहाँ कहाँ? अरे जब मालिक से तुमने कह दिया कि तुम जा रहे हो तो अंदर कहाँ आ रहे हो? बबन भाई, बच्चे को एक बार वहां से मिल लेने दो ना। देखो तुम दोनों अभी चले जाओ, आने तो बहुत मारूंगा मैं अभी तुम दोनों को। बब्बन भाई बच्चा है, पूरी रात सोया नहीं, कुछ खाया नहीं, रोता रहा, माँ को ढूंढ रहा था, पर हुआ वो भी इसके चक्कर में भूखी प्यासी बैठी हो। एक बार बस बब्बन भाई। देखो अभी तुम दोनों भाग जाओ, हाँ, और भूल जाओ माँ बेटा, अभी वो सेठ की सेठानी बन गई है। अरे पर माँ तो है ना इसकी, बस एक बार ही मिलने दो ना अम्मा से। अरे हम तुमको दुई बोली में समझा रहे हैं कि जा यहाँ से, कहीं मालिक ने देख लिया ना तो एको गोली से बाप और बेटे दोनों को खत्म कर देगा। भागो यहाँ से। अरे जा, अरे बबन जी। मालिक, मिश्रा जी का पेमेंट नहीं आया अब तक, फनवा लगाओ उनको। हम ऐसे कह रहे थे कि हमें हमारे बच्चे से तो मिलवा दीजिए, वो हमारे बिना रह ही नहीं पाता है, कुछ खाएगा भी नहीं, बस रोता रहेगा। माँ को उसके बेटे से दूर मत रखिए। अरे तुम खड़े काहे हो, बैठो, मिलाएंगे, बहुत जल्द मिलाएंगे। अरे हम कोई जालिम थोड़ी है, तुम पहले हमको एहसास कराओ इस बात का कि हमारी बीबी जिंदा है तुम्हारे अंदर, तुम उसी की तरह चलो,
हमसे बतियाओ और हमें वैसे ही प्यार करो जैसे हमारी बीबी हमसे किया करती थी। फिर देखो जैसा तुम कहोगी सब वैसा ही होगा। हम ना तुमको तुम्हारी दादी अम्मा के पास छोड़ देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम तुम्हारी अम्मा को लेके आ जाएंगे। हाँ, तुम ना गांव जाओगे ना, दादी अम्मा तुमको बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना खिलाएगी। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, वो खाना तोड़ तोड़ के भागो। ए गुड्डू, ए गुड्डू, गुड्डू रुक। लेकर आते तेरे लिए कुछ। हाँ अम्मा, गांव चलो ना। हमारा बेटा हमें लेने आया ना, पक्का चलेंगे। पहले खाना खा ले। इधर ही रहना और जब तक हम ना बोले बाहर नहीं आना, ठीक है? बहुत टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में।
आज का दिन ऐसे ही ठंड में गुजरेगा क्या? आप ना जरा बाहर रुकिए, हम आओ। हाँ हाँ आओ, आते हैं हम जल्दी। अच्छा ये प्लेट किसका है? वो हमरा। और तुम तो हमरे साथ बाहर टेबल में खाना खा चुकी थी ना? वो हम खाते खाते इधर लेकर आ गए थे। अच्छा कोई बात नहीं है? तुम आओ, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चलेंगे बेटा, पर तू यहाँ कैसे आया? बाहर से हमको रास्ता पता है। चलेंगे, मौका देखकर चलेंगे। बबन, बबन। जी जी मालिक। वो बाप बेटे दिखे थे क्या फिर से? थोड़ी दिन से तो नहीं दिखाई दे रहे। हम दोनों को खदेड़ दिए थे ना, भगाई दिए थे ना, तो गाँव वहीं चले गए होंगे। वैसे मालिक पूछत का है उन दोनों के बारे में? अगर वो दोनों दिखे ना तो गोली मार देना उनको। और हाँ, इस औरत पे नजर रखना, हमको लगता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी। बेईमान दगाबाज, भाग रही हो कहे? सब कुछ तो दिए तुमको, मान सम्मान इज्जत धन दौलत, अरे बीबी बना के रखे थे तुमको, फिर किसके लिए भाग रही हो? उस दो कौड़ी के आदमी के लिए जिसने अपने 3 पुश्तों का कर्जा चुकाने के लिए तुमको यहां छोड़ दिए? उस आदमी के लिए? उसके लिए नहीं, इसके लिए, हमारे बच्चे के लिए, इसकी ममता के लिए। असक जो आपने हमें सुनाया हम सुने, जैसा जैसा करने को कहा हम किए। क्यों? इसके लिए। आपने जितना हमें डराया हम डरे, क्योंकि हमारा बच्चा हमारे पास नहीं था। जब हमारा बच्चा हमारे पास है ना, तो जितना हमें डराना है डराइए, नहीं डरने वाले। अच्छा तो हमको धमका रही हो तुम, ठाकुर जगन सेठ को? तो ठीक है, तुम्हारी ममता और तुम्हारे इस बच्चे को यही घाट कम कर देते। शर्म नहीं आती कायर? मां के होते हुए उसके बच्चे के ऊपर बंदूक तान रहा है? हिम्मत है तो मेरे ऊपर गोली चला। चला मालिक, 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 भाग जाओ, तुम भाग जाओ जल्दी यहां से।
ये समझ ले कि किसी ने कुछ देखा ही नहीं, जो मैं बताऊंगा वही पुलिस मानेगी। भाग जा तू यहाँ से। नहीं, भाग जाओ तुम। मैं नहीं भागूंगी। पुलिस को बुलाओ, जो भी सजा होगी मंजूर है हमें। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने वही किया है जो हर माँ करती, हर औरत करती। बब्बन भाई बब्बा, अब कहाँ आए हो? वो तो ठाकुर को मार के गए जेल। ठाकुर को मार दी? हाँ, गर्जे ने ना हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ खत्म हो गया हमारा। बीवी जेल चली गई, बच्चा मिल नहीं रहा है, पता नहीं कब तक जिंदा रहेंगे। ए गुड्डू, ए गुड्डू बच्चा। पापा। ए गुड्डू मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तू तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं पापा। ले जा अपने बच्चों को, अब इसकी जिंदगी में कर्ज का शराब कभी नहीं आएगा। जाते जाते बोली कि हमें बचवा का हाथ उठाकर नंदू के हाथ में दे देना और बोलना कि वो हमें तो प्यार नहीं करता है, लेकिन हमारे बचवा को माँ का प्यार जरूर देना। जाओ। शोषण करना और सहना दोनों अपराध है। ठाकुर अपनी इच्छाओं को पूरा करता गया और सुलोचना अपने डर से सब सहती रही, पर सह पाने का भी एक अंत आता है, और जब यह आता है तब डर से जीत मिल जाती है। वही हुआ सुलोचना के साथ, उसने ठाकुर को मारकर खुद को कानून के हवाले किया और अपने पति को दिया पश्चाताप। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। Share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishaara.